welcome or welcome back to my YouTube channel. तो कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे. मैं भी ठीक हूँ. और आज का जो ब्लॉग होने वाला है ये एक फैमिली ब्लॉग होने वाला है, क्योंकि आज मेरे एक छोटू सा भाई का बर्थडे है. तो मैं वहीं जा रही हूँ. बहुत टाइम बाद मैं वो चाची के घर में जाऊँगी. लास्ट टाइम मैं गई थी, याद नहीं है, बहुत मंथ हो गया है. घर जाने से पहले मैं गई थी और उस टाइम भी मैं ब्लॉग बनाई थी. आपको याद होगा, अगर नहीं याद है तो मेरा अभी ब्लॉग है मेरे चैनल में, आप चेक कर सकते हो. तो वही चाची के घर में आज जाऊंगी. उसके बेटा का बर्थडे है, तो मेरे भाई होते हैं वो, लेकिन बहुत छोटू है, तो उसका बर्थडे है आज. और इनवाइट किया था मुझे आज जाने और रुकने के लिए बोला. बहुत टाइम हो गया, मैं इनके घर गई भी नहीं हूँ, रुकी भी नहीं हूँ. तो मेरे माँ भी मेरे को बोल रहे थे कि जाओ, जाके रुको, कभी कभी जाया करो. मतलब मेरे को उतना टाइम भी नहीं मिल रहे थे बीच में, तो इसलिए हुआ नहीं हो पाए. तो फाइनली आज मैं जा रही हूँ और आज इसका बर्थडे है, तो फुल बर्थडे सेलिब्रेशन होगा. तो और आपको भी देखने को मिलेगा. तो एंड तक देखो आप, एंजॉय दिस ब्लॉग. और लास्ट में अगर आपको ये ब्लॉग सही में अच्छा लगा तो ब्लॉग को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना. और गिफ्ट के बारे में क्या ही बोलूँ मैं मेरे को एकदम टाइम नहीं मिला कि बाहर से जाके मैं कुछ खरीदूँ. मैं उसके लिए मतलब कुछ नहीं लिया. मीन्स उसको ना, मैं पहले सोचा था कि मैं केक लेके जाऊंगी. उसके बाद माँ कुछ टाइम पहले मेरे को कॉल करके बोल रहा है कि उसको डोनट बहुत पसंद है. तो मैंने सोचा तो फिर ठीक है, तो डोनट लेके जाऊंगी. तो मैं अभी क्रिस्पी क्रीम से डोनट लाई हूँ, जो कि एक सेट आते हैं क्रिस्पी क्रीम में. क्रिस्पी क्रीम का खाना मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, क्वालिटी काफ़ी अच्छा रहता है. स्पेशली मेरे को डोनट से ज़्यादा पसंद है वहाँ का, शेक भी बहुत अच्छा लगता है मुझे. और वही मैं अभी मंगवाई हूँ. 6 पीसेस का एक सेट आते हैं डोनट का, वो मैं मंगवाई हूँ. और जो 6 पीसेस आप सिलेक्ट करोगे ना स्विगी पे, तो आप अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज़ कर सकते हो जो भी आपको चाहिए. लाइक 6 डोनट्स आपकी किस फ्लेवर पे आपको चाहिए, तो वो आप कस्टमाइज स्विगी में कर सकते हो. तो वही मैं अभी किया और मेरे पास आया, मैं आपको दिखाऊंगी. तो वही मैं उसके लिए लेके जा रही हूँ. उतना बड़ा कुछ नहीं ले पाई. मेरे को बहुत मन था कि मैं फर्स्ट क्राई जाऊँ, वहाँ से उसके लिए कपड़ा लूँ, लेकिन फर्स्ट क्राई मेरे यहाँ से काफ़ी दूर है, तो मुझे उतना टाइम मिला ही नहीं कि मैं वहाँ जाके कुछ लूँ. उसके लिए मैं सोचा कि चलो ठीक है, आज तो बर्थडे है, आज डोनट लेके जाती हूँ, नेक्स्ट टाइम मैं जाऊँगी तो कुछ खरीद के लेके जाऊँगी फॉर श्योर. तो आज का ब्लॉग काफ़ी इंटरेस्टेड होने वाले हैं, फैमिली ब्लॉग होने वाले हैं आफ्टर लॉन्ग टाइम. सो आप रहो ब्लॉग पे इन तक. बाय. ये रहा वही गिफ्ट, इसमें 6 पीस है. मैं जब चाची के घर में जाऊँगी, जब खोलूँगी तब दिखाऊँगी आपको. तो स्टे ट्यून्ड. ये रहा मेरा फुल OOTD, बहुत ज़्यादा सिंपल है. एक टॉप, जींस और ये ईयरिंग्स मैं बहुत टाइम बाद पहनी हूँ. एंड हियर इज माय बैग. मैं आज रुकूंगी इसलिए ये बैग लेके जा रही हूँ. और मेरा गिफ्ट कहाँ रहा? एंड ये रहा गिफ्ट. तो लेट्स गो. चलो, मेरा ऑटो भी आ गया है अभी. और अभी रूम पूरा खाली रहेगा क्योंकि मेरे रूम में नहीं. सो फाइनली मैं निकल गई हूँ इतना ट्रैफिक के बीच में, आप देख ही पा रहे हो. आई थिंक इट विल टेक सो मच टाइम. सो आप रहो व्लॉग पे. ट्रेन भी जा रही है मेरे साथ एंड आफ्टर लॉन्ग टाइम मैं ट्रेन भी देखा, तो सोचा आप लोगों को भी दिखा देती हूँ. मैं अभी आ गई हूँ. इतना टाइम लग गया बापरे. पहले मैं अभी आ गई हूँ मतलब सोसाइटी में. अभी ऊपर जाना है और मैं बहुत दिन बाद आई हूँ, तो मेरे को फ्लोर नंबर, ब्लॉक नंबर कुछ पता ही नहीं है. मैं फिर से मेरे चाची को पूछा, अभी मैं आई हूँ. सो स्टे विद मी. चलो. और इतना ट्रैफिक था कि मेरे को इतना टाइम लग गया जाने में. और उबेर में जब मैं आ रही थी 180 to 150 दिखा रहे थे, और जब पहुंच गए तो 240 ऐसा कुछ दिखाया. अंधेरा आ रहा है ना यहाँ पे, तो लाइट ही नहीं है. चलो लिफ्ट की तरफ जाती हूँ मैं. मेरा बाल पूरा खराब हो गया है. हियर इज द डोनट जो मैं लाई हूँ. चल रहे कार्टून. और यहाँ हो गया है डेकोरेशन और केक भी आ गया है. मैं कुछ टाइम बाद आपको केक दिखाती हूँ. अभी बदमाशी चालू.
टैन, हियर इज द केक। बहुत ही ज़्यादा क्यूट और अच्छा केक है, खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी भी था। तो अगर आपको इसके लिंक चाहिए या इंस्टा आईडी चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं बता दूंगी। नीचे सब नीचे ये नया चश्मा पहन के घूम रहे हैं, इतना फनी है ये। केक कटिंग के टाइम ठीक से कुछ पोज ही नहीं मारा, अब ये पोज मार रहा है। मतलब बदमाशी का एक लेवल होता है भाई। उसके बाद हम लोग मिलके अनबॉक्स कर रहे थे इसका गिफ्ट, सारा गिफ्ट तुरंत ओपन करके तुरंत ही तोड़ ओड़ के खत्म। कुथाय गेछे? गुड मॉर्निंग। तो सुबह सुबह उठ के मेरे चाचा ने मेरे को ये नारियल गुड़ का पायस दिया था, ये उन्होंने खुद बनाया, इतना ज़्यादा यम्मी था वो। तो चाय, डोनट और नारियल गुड़ का पायस ही खाई थी मैं सुबह, और इसके बाद मैं निकल गई थी रूम के लिए क्योंकि मेरा ऑफिस भी था। सो आप मुझे कमेंट करके बताओ कि आपके ब्लॉग कैसा लगा। आई होप यू लाइक दिस ब्लॉग। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय।